बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में ब्लैक फंगस के इलाज और दवा की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर डॉक्टर खूबचंद्र बघेल योजना के दायरे में लाने की चर्चा हुई है। मैंने कहा इसको खूबचंद्र बघेल में शामिल किया जा सकता है, प्रक्रिया पूरी करना बाकी है, ये आयुष्मान योजना का ही हिस्सा है, इसलिए भारत सरकार से भी अनुमति लगती है क्योंकि ये महंगा इलाज है। विशेषज्ञों ने बताया 5 से 7 हज़ार का एक इंजेक्शन है। आयुष्मान जो उसका हिस्सा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसकी अनुमति लगती है। दूसरा, क्योंकि ये महंगा इलाज है, मुझे कल जो विशेषज्ञों ने बताया कि 5-5, 7-7 हज़ार का एक इंजेक्शन है और एक व्यक्ति को 21 इंजेक्शन कम से कम, एक व्यक्ति को 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगने हैं, तो बहुत महंगी इलाज की ये क्रिया है। और दूसरा, उसकी दवाई मिल भी नहीं रही है, इंजेक्शन मिल भी नहीं रहे हैं। तो 5 हज़ार इंजेक्शन के लिए कल ही फाइल मैंने साइन की थी उसके ऑर्डर के लिए, तो 5 हज़ार तो बिना टेंडर के ही आपातकाल में उसको उठा रहे हैं। हालांकि ये पहला परचेस है जो सीधे हम लोग शायद उठा रहे हैं, पर इस दबाव में, और फिर टेंडर के लिए भी मैंने कह दिया है कि CGMSEs के टेंडर के लिए भी निकाल दे। तो बड़ी मात्रा में और महंगी, काफ़ी महंगी दवाई, ये एक पेशेंट को 21 दिन में 50 से 100 वैक्सीन, 100 इंजेक्शन इसके लगते हैं, ऐसा।